अपना परिचय दे, नाम बताएं। और मैं जयश्री सिंह हूँ, मैं चाय में ओवर 3 डेकेड से रही हूँ और शादी के बाद से मैं चाय में ही आई हूँ। तो चाय के साथ एक अलग ही प्रेम है और हमेशा से रहा है कि एक पैशन रहा है कि कुछ ऐसी नई चाय पेश करें जो मेरे हस्बैंड जिसके बारे में हमको बता रहे हैं, सिखा रहे हैं। फिर मेरे दो परिचित फ्रेंड्स हैं जो आई हैं, हमारे फैमिली फ्रेंड्स जो मिलने आए थे चाय बागान में हमसे, और उसी से दौरान हम लोगों ने डिसाइड किया कि जो मेरा पैशन है चाय, इनका भी वही था। तो हमने सब डिसाइड किया कि एक नया कोई चीज़ लॉन्च करते हैं जो अभी तक हुआ ही नहीं है, समथिंग मैजिकल, समथिंग सुपरलेटिव। एंड दैट्स व्हाई दे हैव शेयर्ड माय ड्रीम एंड पैशन एंड विलासा अंबोसिया। मैडम बताइए क्या खासियत है जो आप आज लॉन्च कर रहे हैं नई चीज में, क्या है? Vilasa is magic, magical, it's magic to your senses, and Ambrosia is nectar of the gods. That is why we have combined it, named it Vilasa Ambrosia, which is something very special, very superlative, top class. But the journey? The journey has been great. We have, that's what I said, we came to the gardens, we got together, and that's how we have decided, you know, that we must do something, and under the guidance of my husband, because he is the right man to guide us. आज की प्रीमियम रॉयल प्रीमियम के बारे में थोड़ा जानकारी दें कि क्या है वो लोगों को, जो उसकी क्वांटिटी की हम बात, क्वालिटी की बात करें, किस तरीके से वो लोगों को एक इम्प्रेस करेगी? जी, जैसा आपको अभी अंदर बताया गया, ये गोल्डन टिप्स टी है। तो ये चाय की बड्स होती है और वो जो हैंड क्राफ्टेड हैंड प्लक बड्स हैं वो हम इस चाय के लिए यूज़ कर रहे हैं और हम इस चाय को गोल्ड कोट कर रहे हैं। तो ऐसी चाय अभी एग्जिस्ट नहीं करती है मार्केट में, जिसकी वजह से ये चाय डिफर करती है फ्रॉम एवरी अदर टी इन द मार्केट। लग्जरी आइटम भी कह सकते हैं आपके हिसाब से? एब्सोल्युटली, इट इज़ अ लग्जरियस आइटम, इट इज़ अ लग्जरियस आइटम। क्या है उसका मतलब, एक प्रीमियम किस तरीके है, नाम क्या है उसका आपने रखा, लॉन्च कर रहे हैं आप किस नाम से? जी, विलासा का मतलब है ग्रैंड और एम्ब्रोसिया का मतलब है नेक्टर फॉर द गॉड्स। अलग क्या है वो औरों से? यही अलग है, यही अलग है, यही अलग है। सोने की चाय है, सोने की पत्ती, सोने की चाय। इट इज अ ड्रिंक फॉर द रॉयल्स। आप बताएं चाय के बारे में, लोग कश्मीर से लेके कन्याकुमारी चले जाएं, चाय अलग अलग डिफरेंट नाम होता है, आपने बड़ा रिसर्च किया है मुझे लगा चाय में, तो कैसा देखते हैं हम इस चाय को उन चाय से अलग? बिकॉज हमारी चाय नहीं है, इट्स एन एक्सपीरियंस, इट्स एन एक्सपीरियंस, इट्स अ मोमेंट विथ अवर सेल्फ, जो जहाँ पे बैठ के आप अपनी लाइफ के डिसीजन ले सकते हो, आप खुद के अंदर ले सकते हो। मेडिकल तो आपने उसको देखा है कि चाय, लोग आजकल ग्रीन टी को कहते हैं कि हम बस नहीं है और शरीर को बड़ा फिट रखती है, क्वालिटी भी देती है, तो कैसे देखते हैं सब चीज़ों, इसमें भी सब वो है इसी चाय में? बहुत तरह की चाय है, फैट को नॉर्मल करती है। अच्छा, मैं थोड़ा डिटेल में बोलती हूँ हर चाय के बारे में। जो हमारी ब्लैक CTC टी है, जैसे अंकल ने बताया, उसके ग्रैन्यूल्स हमने बेस्ट क्वालिटी के यूज़ किए हुए हैं। सो हमारी CTC चाय एक स्ट्रॉन्ग एंड बोल्ड कैरेक्टर बिल्डअप करती है। सो उससे क्या होगा कि आपको जो डेली टी करती है ना, जिससे आप दिन स्टार्ट करने की एनर्जी मिल पाए, वो आपको मिलेगी। विथ ग्रीन टी, हमारी ग्रीन टी को एक अर्धी ग्रासी नोट होता है, विथ दैट उसकी एक सटल स्वीटनेस भी है। सो आपकी आफ्टरनून टी का सॉर्ट तो हो गया ग्रीन टी से। नाउ लेट मी टेक यू टू दार्जिलिंग टी। दार्जिलिंग टी को बोलते हैं शैम्पेन ऑफ टी, क्योंकि जो दार्जिलिंग में चाय बनती है वो पूरी दुनिया में कहीं नहीं बनती है। सो दार्जिलिंग टी का एक खासियत ये है कि उसकी एक स्पेसिफिक सटल मस्केटल फ्लेवर होती है। सो वो मस्केटल फ्लेवर सिर्फ और सिर्फ दार्जिलिंग चाय में मिलती है। नाउ हमने जो दार्जिलिंग चाय वी आर ऑफरिंग, वो चाय हाई एलिवेशन पे बनती है और उसकी टेरॉइड और उसकी जो एलिवेशन है वो उसको खास बनाते हैं। नाउ टॉक अबाउट दी लग्जरी टी जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो हमारी चाय नायाब है। बेसिकली हमारे लिए वो हमारा ज्वेल है। सो सिल्वर टी एंड गोल्ड टी। सिल्वर टी इज समथिंग जहाँ पे हर एक चाय की पत्ती को हैंड रोल्ड किया जाएगा विथ 99.99% प्योर सिल्वर। एंड विथ द गोल्ड टी
कि एवरी टी बर्ड को हम हैंड पिक एनीवेज कर रहे हैं, हर एक टी बर्ड को हैंड रोल कर रहे हैं विथ आवर लव एंड पैशन टुवर्ड्स टी. सो विथ दिस चाय हम इंडिया का एक नाम रोशन करना चाहते हैं ऑन द वर्ल्ड. थैंक यू.